हालत कर दिया यार इसमें। बाली इधर पूरा गरम था इसलिए ज्यादा ऑपरेटिंग करने का चूल था ना। 4x4 है वो निकल गया। नहीं नहीं नहीं, तो एक ही टायर घूम रहा है। So good morning guys. So guys right now we are in Arambol और अभी इधर है हम लोग। अभी इधर बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसा ठंड नहीं था पहले गोवा में। मतलब अभी बहुत ज़्यादा ठंड है इधर, मतलब क्या बताएं। और रात में क्या हुआ ना, मेरा गाड़ी भी फंस गया। सुबह सुबह जब इधर थोड़ा धूप आ रहा है, सुबह सुबह रात में जब मैं गाड़ी लेके निकलने वाला था तभी क्या हुआ, मेरा पीछे वाला चक्का पूरा नीचे चला गया। तो चलो दिखाते उसको, होटल वाले को बोला कि खोलने के लिए, वो हेल्प करने के लिए। उन्होंने बोला सुबह कर देंगे, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो उसका पूरा चक्का नीचे चला गया। और उस साइड है आरामबुल, बैनियन ट्री वगैरह उधर ही है। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वाह क्या सीन है। अभी होटल वाले को बोलते, क्या हालत कर दिया यार इसमें। एक्चुअली बाली इधर पूरा नरम था इसलिए घुस गया। ज्यादा ऑपरेटिंग करने का चूल था ना। 4x4 है वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये पूरा बाली जो रेत था पूरा एकदम नरम वाला था, इसलिए इधर का टायर का हालत देखो तो मुड़ गया है। हाँ कहाँ पे गाइस, सुबह सुबह हम चाय पी रहे हैं और वादियों का मज़ा ले रहे हैं और सामने का मज़ा ले रहे हैं। आरामबुल तो आ चुके हैं हम, उस साइड है आरामबुल का वो बैनियन ट्री वगैरह। और कल हम बहुत फन किए, क्योंकि कल जो ऑफ रोड वाला जगह था ना बहुत बढ़िया था। लेकिन आने के बाद इधर एक हिस्सा हो गया भाई, मेरा पूरा टायर चला गया अंदर। अभी देखते हैं इन लोग ज़्यादा ऑफ रोड करने का सोचा। हाँ मैंने सोचा निकल जाएगा, ऐसा इतना घुमाया कि वो घूमते घूमते नीचे ही है। मतलब कि दफन दे दो मुझे, और नहीं चाहिए तुम्हें। अभी देखते हैं क्या होता है। ये लकड़ी को अंदर करना पड़ेगा। एक बार हल्का करके दो। नहीं 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 होगा, तो एक ही टायर घूम रहा है। चेक भी तो नहीं है ना यार। अब कोई से कंप्लेंट नहीं करेगा, सारे को मैं आगे ले आया हूँ। तो सारे भाई ने मिलके मेरा गाड़ी, हाँ सारे भाई ने मिलके मेरा गाड़ी उठा दिया, नहीं तो मैं तो होपलेस हो गया था। क्या होगा अब। अभी रेंट पे लिया था गाड़ी, लेकिन भाई ने मोटिवेशन दिया। ब्रदर लाइफ में कभी भी, हाँ कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए, कभी होपलेस। वो एक ये था, स्टोरी था ना वो किंग का। हाँ वो मकड़ी ऊपर उठता है फिर गिरता है फिर उठता है। हाँ अभी हम लोगों ने क्या किया, वो गया फिर निकाला फिर दबाया फिर उठाया। एंड ऑफ द डे क्या किया, विक्ट्री किसको मिली, हमको मिली। हाँ राइड एज वेल। और इधर आओ ना, बहुत अच्छा एकोमोडेशन है, और नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जगह देखो कितना खूबसूरत है। हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है SM OPU Blogs। ओके, अभी निकलते हैं इधर से। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया गाड़ी निकालने के लिए। अभी बहुत देर हो चुका है, अभी चलते हैं। और इस बंदे ने तो बहुत हेल्प किया। अभी इधर से निकल रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी इधर फंस गया था, आपको मालूम ही है। बहुत दिक्कत के बाद मतलब से 7-8 जन लगे उसको निकालने के लिए, उसके बाद ये निकल पाया। एक्चुअली इसका 4x4 एक चक्का पूरा अंदर चला गया ना, तो 4x4 नहीं काम कर रहा था। अर्पिता पीछे बैठोगी। अभी है बाहर बहुत गर्म क्योंकि यहाँ पे भर गया है धूप, और इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है। एक्चुअली ये चादर है, हाँ, हमारा ही है चादर है। ये हम लेके आए थे घर से, तो इंडियन का जुगाड़ है क्योंकि बहुत धूप है। बाहर देखो देखो यार कितना धूप है। रात को कितना ठंड पड़ी थी, बहुत ठंड था। पूरा सुबह ऑपोजिट हो गया यार। इतना गर्मी बढ़ गया है कि लगता है अभी ठंड दे दो, और रात में लगता है यार गर्मी दे दो। पूरा ऑपोजिट में फंस गए हम दोनों। और जो भी है ये वाला जुगाड़ तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम जा रहे हैं अंजुना बीच की तरफ। वहाँ पे जाके रूम लेंगे, फिर उधर से प्लान करेंगे कि क्या करना है। आज दोनों अभी सोच रहे हैं कि रात में थोड़ा पार्टी वगैरह कर ले, क्योंकि जब से आए हैं ना हमने कोई पार्टी वगैरह अटेंड नहीं किया है। जो अच्छा है, पार्टी करना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन हम करेंगे आज। देखते होता है कि नहीं। हाँ, आई मीन प्लान बन रहा है, होगा तो देख पाओगे और हम भी देख ही लेंगे क्या होता है आज का प्लान। चलो अब चलते हैं। सो हेलो गाइस, आज है 13 तारीख और आज हमने लिया है हॉस्टल। अरम्बोल से आने के बाद हम आ गए अंजुना, और अभी इधर से निकलते हैं। ठीक है, बाहर का नज़ारा देखो। हॉस्टल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ है, और बैठने का जगह अलग है, टीवी है, मतलब बहुत बढ़िया है। और जगह का नज़ारा कुछ अलग है। कोई नहीं है इधर एक्चुअली। और बाहर हमारा गाड़ी है बाहर ही। ठीक है, ये है। और अभी निकलते हैं इधर से। ठीक है, जगह देख लिया ना, बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली ये हमारा रूम का रेंट पड़ा 500 रुपीज़, दोनों को मिला के 500 रुपीज़, दोनों को मिला के 500 रुपीज़ पड़ा है। और जगह बढ़िया है। और अभी निकल रहे हैं, मतलब हिल टॉप जाना है क्योंकि हमारे पास थार है। कल थार को देना पड़ेगा, 2 दिन के लिए थार लिया था तो कल देना पड़ेगा, इसलिए आज थार को और एक बार एक हिल टॉप में ले जाएंगे, अंजुना हिल टॉप। और अभी एकदम ऊपर अंजुना के बीच साइड ही है। ठीक है, गाइस इधर मतलब झूला झूलने का भी जगह है। फुल एकदम बढ़िया प्लेस है। अभी हम जा रहे हैं हिल टॉप की तरफ, जो अंजुना हिल टॉप है। कैसे वॉशरूम है ना? तो गाइस हम अभी थार लेके इधर आ गए हैं, वो बागातार और अंजुना के मेन पॉइंट पे। और अभी इधर से मैगी वगैरह लेंगे, ऊपर जाके खाएंगे क्योंकि अर्पिता को बहुत भूख लगी है, तो इसकी वजह से इधर रुक गए। ऊपर जाके सनसेट देखते देखते मैगी खाना है अब अर्पिता को। अभी इधर वो जो क्या है, रोमियो लेन है, बहुत बढ़िया है। उसका साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है, क्योंकि 3-4 दिन पहले हम आए थे और दोनों बार ही हम इधर ही पार्टी किए। और इसके ऊपर ही है, इसके दूसरी तरफ, तो बढ़िया है। अभी थार लेके ऊपर जाएंगे क्योंकि सनसेट का टाइम हो गया है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Baby.